तो भाइयों बहनों, हम आ गए हैं फिर से अपनी नई वीडियो में। कल हम लोगों ने बताया था कि कौन सी 10 गलतियां रहीं जिससे बच्चे फेल हो गए। तो वो गलती अगर आपने देखी हो तो आप ध्यान रखें, वो गलती तो बिल्कुल ही ना करें। अब मुझे एक दोस्त का कॉल आया, वो कह रहा है ये गलतियां तो बता दी, कुछ सॉल्यूशन और भी बताओ, ये कैसे पढ़ाएं। तो सी टेट का सबसे बढ़िया फंडा है, जो लास्ट टाइम में अगर आप कर रहे हैं तो जो कुछ वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड, अगर आप इन वर्डों को समझ गए तो आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हर कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन के बाद आपको ए वर्ड जरूर टकराएंगे, तो आप इन वर्डों को समझ लें। देखो, इसमें एक नेगेटिव वर्ड है, अगर जो नेगेटिव वाले वर्ड अगर आपको मिले तो वो ऑप्शन तो पहले से ही छोड़ दें, कट कर दें। और जो पॉजिटिव वाले मिले तो पहले आप कलेक्ट करें, अगर पहले ऑप्शन में भी पॉजिटिव है उसको, दूसरे में भी उसको, फिर दोनों को देख लें, जो सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा वो आप सेलेक्ट करें। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव में सीधा ही छोड़ दें, ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं, सारे इस तरफ मैंने लिखे नेगेटिव वर्ड, ये लिखे पॉजिटिव वर्ड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पहले ऐसे थोड़ा बता दूं, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छे से समझना है आपको। तो सबसे पहले हमने लिखा है केवल मात्र सिर्फ ही, ओनली और सीमित। कभी भी आपके ऑप्शन में आ जाए कि केवल ए वाला, केवल ए, तो वो वाला ऑप्शन हमेशा गलत हो जाता है, कभी भी केवल नहीं होता है। क्योंकि जो हमारा बाल विकास है उसका विस्तार बहुत ज्यादा है, किसी एक पॉइंट में आप उसको सीमित नहीं कर सकते हैं। तो सीमित, ओनली, केवल, सिर्फ, ए वाले ऑप्शन गलत हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ए वाला। तो बच्चे को कभी आप रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि जाइए कल एक चैप्टर एक को याद करके आइए, याद करने के लिए नहीं, आपको उसे याद नहीं कराना है चीज़ें, उसे आपको सिखानी है वो चीज़ें, रटाना नहीं है उसका, उन्हें अर्थ बताना है। तो जब भी अर्थ बताने की बात होगी वही सही होगा, रटना, याद कराना, ए वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ये दूसरा हो गया रोट लर्निंग। तीसरा हो गया दंड, सजा, समस्या, बोझ, कठोर अनुशासन, हतोत्साहित और डांटना। तो मैं बता दूं, कभी भी आप बच्चे को दंडित नहीं करेंगे, कितनी भी वो चालाकी करे, कितना भी शैतान हो बच्चा, आप उसको दंड नहीं देंगे। क्योंकि दंड तो वो एक नकारात्मक पुनर्बलन है, लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं कभी भी हम, तो दंड तो खत्म ही हो गया, तो दंड को तो आप छोड़ ही दे। समस्या, बच्चा कभी समस्या नहीं है, बच्चे को समस्या नहीं लेके, क्योंकि ऐसा आता है क्वेश्चन कि बच्चे अपनी भाषा में बोल रहा है तो आपके लिए क्या है, वो समस्या है क्या? बच्चे अलग चीजें बात कर रहा है तो वो आपके लिए समस्या नहीं होगा, बच्चे को एक समाधान के रूप में लेंगे, आप समस्या के रूप में नहीं लेंगे। बोझ, बच्चा बोझ नहीं है भैया, कठोर अनुशासन की बात भी हम कभी नहीं करेंगे, कठोर अनुशासन बिल्कुल नहीं, लचीला अनुशासन होना चाहिए, हमें व्यवस्था बच्चे के अनुसार बदलनी है अपने, हमें अध्यापक को बच्चे के अनुसार बदलना है सिस्टम को सारा, तो अनुशासन बच्चे के अनुसार होगा ना कि शिक्षक के अनुसार, उसके अनुसार ही हमें कहते हैं कि पहले हम विज्ञान या गणित जैसे कठिन विषयों की कक्षाएं नहीं लगाएंगे, पहले जो सरल विषयों की फिर बाद में लगाते हैं कक्षाएं, कठोर अनुशासन होगा नहीं। हतोत्साहित करने, ये बहुत, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है डिस्करेज, और तो कभी भी ऑप्शन आएगा कि बच्चे को सीखने क्या के लिए क्या करेंगे आप, बच्चे को सीखने के लिए हतोत्साहित करेंगे, नहीं, हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको हम इनकरेज करेंगे, तो हतोत्साहित डिस्करेज बिल्कुल नहीं, बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे हम, कुछ भी गलतियां हो जाए उसको हम डांटेंगे नहीं, तो ए वाले भी नकारात्मक वर्ड है। अगला है अनिवार्य, भेदभाव, लैंगिक असमानता। देखो, कभी भी अनिवार्य शब्द आ जाए कि बच्चे के लिए ऐसी चीजें अनिवार्य होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा, कभी भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। दो बच्चे में, जो गरीब बच्चा है अमीर बच्चा है, तो उनमें कभी ना तो हम भेदभाव करेंगे, ना ही उनकी पृष्ठभूमि से, ना ही जाति के अनुसार, ना ही किसी के अनुसार हम उनमें भेदभाव करेंगे, तो ये हो गया भेदभाव। और आता है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता लड़का लड़की के लिए आता है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, क्या ये सही है? तो जब भी लैंगिक असमानता की बात करी जाए तो वो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि हम कोई एजुकेशन की बात करते हैं, लड़का लड़की को एक साथ ही ना, देखो हम मोस्टली, हम NCF 2005 कहता है कि बच्चे को कोई एजुकेशन दी जाए, लड़कों को लड़कियों के साथ, लड़कियों को लड़कों के साथ ही पढ़ाना चाहिए, सेपरेट स्कूल नहीं करने चाहिए, कुछ होते हैं गर्ल्स स्कूल या हॉस्टल वो नहीं, लेकिन हम लोग बात करते हैं इसीलिए 1 से 8 तक दो होते हैं लड़का लड़की एक साथ, क्योंकि क्या होता है जो भी व्यवहारिक जीवन होता है उन्हें साथ 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 ही रहना पड़ता है, तो अगर बच्चे को यही शिक्षा अलग से दी जाएगी तो फिर वो आगे अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा, तो लैंगिक असमानता की बात नहीं करेंगे।
अगला है पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या व्याखा। देखो कभी भी जो भी कक्षा होती शिक्षक केंद्रित नहीं होती कि शिक्षक कहे वो उसी के अनुसार चल रहा, नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करेंगे हम, शिक्षक केंद्रित या पुस्तक के अनुसार नहीं चलेंगे कभी भी कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाए, बिल्कुल नहीं, बच्चे के अनुसार उसे जो आ रहा उसके लेवल के अनुसार ही पढ़ाया जाए। कभी भी देखो छोटे बच्चों को व्याका विधि की बात नहीं करते हैं, जैसे अभी मैं लेक्चर सुना रहा आप लोग सुन रहे, तो बड़ों बच्चों बड़े बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों को व्याका नहीं करेंगे हम कि क्लास हुई लेक्चर पढ़ाया और चले गए, तो व्याका की बात छोटे बच्चों के लिए नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाता है। अगला होता है निष्क्रिय, और हाँ बच्चे को कभी भी निष्क्रिय नहीं मानेंगे, बच्चे एक्टिव हैं, कितना भी कमजोर है उसको एक्टिव मानेंगे, वो खोजकर्ता मानेंगे, तो निष्क्रिय शब्द आएगा तो उसको भी गलत कर देंगे। बच्चे के विचार मातृभाषा त्रुटियों को महत्व ना देना, देखो ये सबसे बड़ी गलती है, जहां भी बात करी है बच्चे के विचारों को या बच्चे की मातृभाषा को, वो किसी भी बांग्ला उड़ीसा किसी भी भाषा को सीख कर आया है, आप उसकी मातृभाषा को बढ़ावा देंगे, एक समृद्ध परिवेश मानकर चलेंगे, तो बच्चे के विचार को मातृभाषा और त्रुटियों को, एक त्रुटियां बच्चे की त्रुटियां एक बहुत ही संसाधन है, उस वो सीखने का पहला कदम तो त्रुटियां ही है, तो बच्चे के विचार को हमेशा महत्व, मातृभाषा और त्रुटियों को महत्व ना देना की बात करी जाए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम उनको इम्पोर्टेंस देंगे। अगला रोजगार व्यवसायिक शिक्षा नहीं, देखो रोजगार परक शिक्षा नहीं देंगे, मतलब रोजगार परक का ऐसा मतलब नहीं कि हम उसे रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या करेंगे समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करेंगे, उसे रोजगार के लिए नहीं तैयार करेंगे कि बच्चे को आगे रोजगार करना है तो उसी के लिए उसको शिक्षा दी जा रही है। व्यवसाय परक शिक्षा की भी बात नहीं करते हैं हम, ना ही व्यवसाय के लिए शिक्षा की, हम व्यवसाय के लिए पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं या पैसे कमाने के लिए, गलत है या रोजगार के लिए नहीं पढ़ रहे, हम खुद में ही एक व्यवहार परिवर्तन के लिए ही पढ़ रहे, यही तो अधिगम है। उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए, देखो किसी भी बच्चे को जैसे अभी आप कहोगे कक्षा 4 का बच्चा है उसे आप पढ़ा रहे छोटी छोटी चीजें, उसे कहो भैया पढ़ लो ये आगे फिर से आपको मिलेंगी, कक्षा 5 में मिलेंगी 6 में मिलेंगी, तो अगली कक्षा की तैयारी के लिए नहीं हम उसको पढ़ा रहे, हम उसको पढ़ा रहे उसी कक्षा मतलब उसके ज्ञान के विस्तार के लिए पढ़ा रहे, तो उच्च कक्षाओं की तैयारी के लिए क्वेश्चन आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्रेड की शिक्षा, ना ही उसे नंबरों के लिए शिक्षा दी जाएगी कि पढ़ लो भैया 90% मार्क्स लाने ही लाने हैं, हर माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे के 90 से कम नहीं आने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है भैया, हम उसे ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाएंगे, उसके विकास के लिए ही पढ़ाएंगे, शिक्षा से ही बच्चे का विकास होगा सर्वांगीण, ये अगर ग्रेड के इसके लिए आए तो ये भी नकारात्मक वर्ड है, इसको आप गलत छोड़ दें, 4 ऑप्शन में से वो कट 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 करते जाएं, जो ऑप्शन बाद में बचेंगे वही सही हो जाएगा, मोस्टली अगर 3 गलत हो गए तो चौथा पढ़ना ही नहीं है, आंख बंद करो लगाओ ये सीटेट पास, अब की बार सीटेट पास। इसके बाद वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का प्रयोग और निगमन विधि, देखो कभी भी हम वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब जो कुछ वर्ड होते हैं उनके यूज नहीं करेंगे वैज्ञानिक शब्दावली, क्योंकि बच्चे को वैज्ञानिक शब्दावली समझ नहीं आती है, एक व्यवहारिक शब्दावली की बात करेंगे जो उसकी डेली यूज में उपयोग होती है, जैसे आप उसे कई सारे उपकरणों के बारे में बताए जा रहे हो आप, है जैसे आप उसको स्टेथोस्कोप बता रहे कान में लगा के वो ऐसा होता है, लेकिन उसे नहीं समझ आएगा, अब उससे कहेंगे कि आपके यहाँ जब डॉक्टर देखने आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो कहेगा ये आला कहते हैं आला, तो उसको उसकी शब्दावली का उपयोग करके ही बताएंगे, वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करके नहीं बताएंगे। तो इन वर्डों की तकनीकी शब्दावली, शब्दावली शिक्षा की बात नहीं कर रहे, ये शब्दावली, अगर ये वर्ड आ रहा है टेक्निक वर्ड हो रहा है उसको, जैसे कंप्यूटर में कई सारे वर्ड हो जाते हैं तो बच्चों को वो वर्ड नहीं समझ आते हैं, तो उन शब्दावली का यूज आप नहीं करेंगे। इसके बाद है निगमन विधि, देखो 2 विधि होती है आगमन विधि और निगमन विधि, तो निगमन विधि कभी भी बच्चों के लिए वो नहीं होती सही, आप उसके लिए आगमन विधि का उपयोग करें, निगमन विधि बिल्कुल नहीं, निगमन विधि कहती है नियम से उदाहरण की ओर, बिल्कुल नहीं, नियम से उदाहरण के लिए नहीं, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर ए होता है निगमन विधि में सूत्र, तो ए वर्ड आप नहीं यूज करेंगे बच्चे के लिए, निगमन विधि गलत है बच्चों का, तो ए अभी मैं कल ही एक पेपर सॉल्व कर रहा था तो उसमें ऑप्शन आया था जो जूनियर लेवल का था 6 से 8 के लिए, उसमें मैंने सोचा कि शायद आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए तो जूनियर के लिए निगमन हो सकती है, तो वो भी गलत हो गया था, आगमन विधि ही आप 1 से 8 तक के बच्चों के लिए उपयोग करेंगे, तो या तो आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, तो दोनों में आगमन विधि का ही यूज करेंगे। अगला होता है खाली स्लेट, बच्चे को आप खाली स्लेट नहीं मान सकते हैं, बच्चे को मानते हैं, देखो एक वैज्ञानिक ने भी कहा था कि बच्चे खाली स्लेट की तरह आप उस पर जो चाहे लिख दो, तो नहीं, एक गलत है, जब जीन प्याजे ने बताया कि बच्चे एक वैज्ञानिक है खोजकर्ता,
तो भैया जब अगर वो खाली स्लेट होगा तो क्या पोज करेगा, कुछ उसे होना तो चाहिए यहाँ पर। तो खाली स्लेट आप बच्चे को नहीं मानेंगे। तो ये सारे थे नकारात्मक वर्ड, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं साथ में। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड की, ये नेगेटिव वर्ड आप गलत। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड की। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वांगीण विकास और करके सीखना। जब भी बच्चे को ऐसी क्रियाविधियों से सिखाया जाए जिससे वो खुद से करके सीखता है तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, सर्वांगीण विकास की बात करी है बच्चे के विकास की, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अगला वर्ड है दैनिक जीवन से जोड़ना हस्तपरक अनुभव। तो वही हो गई बात, उसको उदाहरण भी ऐसे दिए जाए जो उसके दैनिक जीवन में यूज होते हैं। तो दैनिक जीवन से जोड़ना और हस्तपरक अनुभव, अब आप उसको हवाई जहाज के उदाहरण दे रहे हैं। यह हवाई जहाज उसने उसके बाप दादाजी किसी ने नहीं देखा है, गांव के बच्चे हैं ये, तो उन्हें आप दैनिक जीवन से उन्हें बैलगाड़ी के उदाहरण दें, ये बिल्कुल सही बात है। उनके जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं वो उदाहरण दें। हस्तपरक अनुभव की बात करी जाएगी हमेशा कि बच्चे के हाथों से सीखे हुए अनुभव उसकी बात करी जाएगी। बच्चे की जिज्ञासा बहुत ही बड़ा संसाधन है, ये हमेशा सही होता है। बच्चे को अवसर दें, प्रोत्साहन दें, सम्मान की बात करी जाए। बच्चे के लिए बच्चे का आप सम्मान करें, बच्चे आपका सम्मान करेंगे। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो ये लगाओ बच्चों को, आप लगाओ बच्चे, एक प्रेम भावना हो जाएगी बच्चे को। एक शिक्षक और बच्चे में एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि मतलब उसे लगे कि हम अपने किसी अध्यापक से नहीं, मतलब किसी अपने पहचान वाले से ही पढ़ रहे हैं, तभी वो आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। खोजना होगा सीखना, बच्चे को खोजने के लिए प्रेरित करें। देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत ना बता दो उसको, उसको उस पर विचार विमर्श करने दें, उसको सीखने दें कि खुद से करो और प्रयास करो तुम कर सकते हो। तो इस तरह से बच्चों को खोजना सीखने की बात कहीं भी पर भी हो रही हो ऑप्शन में तो वो सही होता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये अभी पढ़ चुके हैं हम, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है NCF 2005। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं हम लोग। समावेशी शिक्षा होती है जिसमें साधारण और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। विशिष्ट बच्चे में आ जाते हैं कम प्रतिभाशाली बुद्धि मतलब मंद बुद्धि बच्चे भी और प्रतिभाशाली बच्चे भी। तो इन दोनों को साथ और सामान्य बालक, इन सबको एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग से क्लास लगाई जाए, ये नहीं, और मंद बुद्धि के लिए अलग नहीं। हम ये बात कर सकते हैं मंद बुद्धि बालकों को क्या कर सकते हैं, आप अलग से टाइम दे सकते हैं। तो उस कक्षा को साथ में समावेशी कक्षा पढ़ाएं, उसके बाद भी आप अगर उन्हें नहीं समझ आ रहा तो आप एक घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा बात करेंगे समावेशी शिक्षा की। भ्रमण, कभी भी देखो EBS में भ्रमण की बात करी जाए तो बिल्कुल सही होता है। बच्चों को भ्रमण कराएं, खुद से चीजें देखने दे, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। वास्तविक अनुभव, भ्रमण कराएंगे तो वास्तविक अनुभव हो जाएंगे, दैनिक जीवन से चीजें अपने आप ही जुड़ जाएंगी उसकी। परियोजना का प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट वर्क, ये UBS में अगर परियोजना कार्य की बात करी जा रही है तो बिल्कुल सही है। हाँ आप उसे प्रोजेक्ट करें, विभिन्न गतिविधियां करवाएं, ये बिल्कुल सही वर्ड है। विभिन्न संसाधनों से आप सिखाएं, बिल्कुल सही है। दृश्य व श्रव्य सामग्री का उपयोग करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। देखो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए कि बच्चे शिक्षक के अनुसार ढल रहे, नहीं। मतलब बच्चों, प्रजातांत्रिक क्या होता है, जिसमें जनता प्रजा का ही सारा रोल रहता है, तो बच्चों के अनुसार ही सारा व्यवस्था सेटअप करती है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, जब देखो ये हिंदी या संस्कृत में आप देखेंगे वहाँ विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की बात करी जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन कल ही आया था, हमने देखा था कि एक स्त्री के बारे में चर्चा करी गई थी कि स्त्री का जो पहले था ट्रेडिशनल में उनका किस तरह से शोषण किया जाता था, किस तरह से उन्हें कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं करे जाते थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में और ऑप्शन थे, तो एक क्या बताना चाह रहा है, तो उसमें भाषा के माध्यम से स्त्री की दुर्दशा की बात कर रहे हैं। तो जब भी भाषा प्रयोग की बात करी जाती है वो ऑप्शन हमेशा सही हो जाता है। विविध गतिविधियों की बात करी जाए कि विविध गतिविधियां, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। अब एक ऑप्शन ये देखो, एक क्वेश्चन है आपको इससे सीधा सीधा मिलना है, आप कैसे भी सोच के चले जाए ये सीधा सीधा ये जरूर मिलेगा। मूल्यांकन का जहां भी बात करी जाएगी कि मूल्यांकन, वहां अगर ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा, कंटिन्यूअसली कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन, तो अगर ए ऑप्शन है तो सीधा आप बिल्कुल सही से लगाएं। ए ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता और ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये हमसे लिख कर लीजिए। इकाई है देखो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और बच्चों की सक्रिय सहभागिता,
सामाजिक, देखो जो हमारे वो थे लेव वाइगोत्स्की, उन्होंने सामाजिक संस्कृति की बात करी थी कि बच्चे समाज से सीखते हैं, उसी परिवेश से सीखते हैं। तो ये अगर कोई मैंने वैज्ञानिक किसी चीज की बात कर देता है तो वो हमेशा सही होता है, वो गलत नहीं होता है, वो तो फेमस वैज्ञानिक थे। तो सामाजिक संस्कृति, सांस्कृतिक परिवेश बच्चों के लिए बात करी जाए, क्योंकि इसका पूरा इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है, तो ये हमेशा सही हो जाएगा। बच्चों की सक्रिय सहभागिता की भी बात करेंगे तो ये हमेशा सही होगा। इसके बाद आगमन विधि, हाँ आगमन विधि का अगर बच्चों को सिखाने के लिए किसी विधि की बात करी जाती है तो सबसे फेमस विधि है आगमन विधि। आगमन विधि, एक सेकंड, सही है, हाँ उसकी लाइट चली गई तो हमें लगा कि बंद ना हो गया हो। तो आगमन विधि, आगमन विधि की जब भी बात करी जाए तो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। बच्चों के लिए सबसे बेटर विधि है आगमन विधि। सबसे इसके बाद है सबसे, हाँ ये सारे थे पॉजिटिव वर्ड। अब केवल आपके लिए ये सब वर्ड होने के बाद एक और ऑप्शन आता है, ये मैंने खुद से ही एक्सपीरियंस करा है कि सबसे बड़ा विकल्प। देखो ये कोई मेथड नहीं है, ये जो लास्ट का 10वां पॉइंट लिखा है ये कोई मेथड नहीं है। जैसे ए वर्ड बिल्कुल फैक्ट होते हैं, हमेशा 100% सही होते हैं, लेकिन जो 10वां वाला है ये तो बस एक ट्रिक है, अगर आप समझ गए कि ऑप्शन में जो सबसे बड़ा विकल्प होता है उसके सही होने के चांस 90% तक ठीक होते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोग ऐसे मानते हैं, स्कूलों को इसको ऐसे करते हैं, जैसे अगर खुद ही आप पेपर सेट कर रहे हैं तो इतना बड़ा विकल्प क्यों लिखेंगे आप, क्यों, कुछ वजह रही होगी। नहीं तो अगर आपको बुरा ऑप्शन, मतलब जो गलत ऑप्शन ही लिखना है तो छोटा ऑप्शन उठा के लिख दो, लेकिन आप इतना बड़ा लिख रहे हो वो भी गलत लिख रहे हो, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो लॉजिकल रीजनिंग कहती है कि अगर कोई ऑप्शन में सबसे बड़ा विकल्प लिखा हुआ है तो आप उसको सही माने, पहले चारों पढ़ लें उसको सही माने, ये शायद एक काम करता है, 90% वर्क करता है, 10% वर्क नहीं करता है। और दूसरा, इनमें से सभी वाला ऑप्शन अगर रहता है, या ऐसा ऑप्शन रहता है कि एक, जैसे अगर ऑप्शन दिया हो कि ए बी सी और डी वाला दिया हो कि ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, तो जब भी अगर सभी होता है या कुछ इस टाइप का तो इसके चांस बढ़ जाते हैं ऑप्शन में सही होने के। तो ए जो ऑप्शन ए तो 90% वर्क करता है, और जो सभी वाला होता है ए 80% ए वर्क करता है। तो ए दोनों अगर आपको मिल रहे हैं तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दे लें। तो ये था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, इनकी हेल्प से आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक ही जो अपनी क्लास है, इतनी ही क्लास में से आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये एक ट्रिक टाइप का माध्यम है और ये लास्ट टाइम ही पढ़ने चाहिए, पहले से आप रट के ना लें। तो ये लास्ट टाइम चल रहा है तो वही हमने इसलिए बता दिए, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान करें। और सी टेट की अभी क्या होता है, देखो मैथ्स के भी मैं बताऊंगा कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है सामने जो दिख रहा है लक्ष्य, उस पर फोकस करें आप। अभी मैथ्स और सुपर टेट की बुक्स, अभी तो काफ़ी टाइम है, सुपर टेट का काफ़ी टाइम है, हाँ अच्छे से तो आपका सारा हो जाएगा। और सारी जो गाइडेंस है हम लोग बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, यूपी टेट की गाइडेंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो जो अभी सामने दिख रहा है सी टेट, उसकी प्रिपरेशन करें आप। और अगर आपको हमारी जो नॉलेज है हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी फैमिली 550 लोगों की होने वाली है, धीरे धीरे यही कारवां बहुत आगे तक जाएगा, तो जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको भी उसी तरह से गाइडेंस मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल पर भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्विज वगैरह होती रहती है टेस्ट सीटेट से रिलेटेड, तो मैं उस पर लिंक डाल दूंगा, आप उससे जुड़ जाएं। उसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, 350-400 लोग, तो आप उनसे, वो केवल पढ़ने वाले बंदे हैं तो आप उनसे अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, तो उससे भी जुड़ जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो सजेस्ट करिए आप और क्या चाहते हैं, सी टेट से रिलेटेड अगर आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, क्योंकि उसी पे काम चल रहा है अभी, और अभी और बाकी को बाद में हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।